For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. ये है मोहब्बतें, एक ऐसी कहानी जहां रमन के अपने ही उसके दुश्मन बन गए हैं। जी हाँ, जहां आपने देखा था रिपीट जी हाँ जहाँ आपने देखा ही था कि कैसे अनन्या की मौत के बाद सिमी काफ़ी ज़्यादा बदल गई थी। जी हाँ, जहाँ सिमी अपनी बेटी का बदला इशिदा रमन से लेती हुई नजर आती है और साथ ही साथ वो दोनों को कर देती है दूर, जिसके बाद सिमी देना शुरू कर देती है रमन को कुछ दवाइयाँ और धीरे धीरे रमन की याददाश्त और भी ज़्यादा कमज़ोर होती हुई चली जाती है। तो दूसरी तरफ इशिदा भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है अशोक के साथ और सिमी भी इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर देती है। लेकिन आपको बता दें कि सिमी के इस खेल का पर्दाफाश होने वाला है। जी हाँ, न्यू ईयर पार्टी में आप सब देखेंगे कि कैसे न्यू ईयर पार्टी वाले दिन पहुंच जाएगी पुलिस भल्ला हाउस में और पुलिस सिमी को गिरफ्तार करके ले जाएगी, जिसके बाद आपको बता दें कि फाइनली सिमी और परम की चालों का हो जाएगा खात्मा और ये दोनों ही चले जाएंगे सलाखों के पीछे। तो इसी के साथ ही आपको यही बता दें कि सिमी और परम के एग्जिट के साथ इस शो के अंदर नई कहानी का आगाज होगा और साथ ही साथ इस शो के आने वाले एपिसोड में आप सभी को निखिल की एंट्री भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब सिमी के बाद एक निखिल ऐसा विलन है जब इशिता की जिंदगी में कई बड़े तूफान लेकर आएगा। वेल, अब क्या होगा शो के अंदर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस शो से जुड़ी और लेटेस्ट खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.